हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। देखिए, मुझे ना बहुत पीड़ा होती है इस तरह के वीडियो बनाने में। व्यूज से पैसे तो आते हैं डेफिनेटली, और उसमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह के वीडियो से पैसे कमाने ना हृदय जो है बिल्कुल द्रवित हो जाता है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है जब ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत दूर दूर से एग्जाम देने के लिए आते हैं। कई बिहार के लोग ही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मत समझना कि अदर स्टेट वाले की ही सिर्फ बात हो रही है। बिहार के बहुत सारे लोग पटना में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, और अलग अलग जम्मू कश्मीर तक लोग जो है, जम्मू कश्मीर में भी जाकर बिहार के लोग रहते हैं, अंडमान निकोबार में भी जाकर रहते हैं, वो बिहार वापस आ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। किन्हीं की फ्लाइट की टिकट बुक होंगी, किन्हीं के रेलवे का जो है टिकट बुक होगा, तो इन कोई बस से आना चाह रहा होगा, कोई दो दिन पहले आ चुका होगा। ऐसे में एग्जाम को बार बार अगर आप कैंसिल करोगे तो बताओ क्या बीतेगी आपके ऊपर। बाय द वे, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो और कहां से कहां एग्जाम देने के लिए जा रहे थे? आप जैसे सपोज कर लो कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच रहे थे, तो आप अपने डिस्टेंस को जो है जरूर मेंशन करें, ताकि सरकार को भी पता चले कि लोग कहां कहां से एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, और आप बीच में जो है एक नोटिफिकेशन थमा देते हो कि भाई एग्जाम नहीं हो पाएगा। आप अगर एग्जाम लेने के लिए सक्षम नहीं हो, पूरी तरह से तैयार नहीं हो, तो एग्जाम मत लो ना। बार बार ये जो ढोंग रचते हो एग्जामिनेशन के लिए, लोगों को परेशान करते हो, ये बहुत बुरी बात है। और आपको लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम है, डेफिनेटली मेरा एग्जाम नहीं है, मैंने पिछले बार ही स्टेट क्वालिफाई कर लिया है। तो ऐसे में इस तरह की जो चीजें आती है बहुत ही पीड़ा देने वाली बात है। तो खैर, देखिए क्या बातें हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। 23/5 रात की अपडेट है अभी। मैं आपको टू बी प्रिसाइज बता दूं, अभी घड़ी का टाइम जो है 10:30 बज चुका है, और इसी समय में ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो स्टेट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया, देखिए मैं आपको बता देता हूं। खैर, एक अच्छी बात यह है कि सभी लोगों के लिए एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है। कुछ ही चुनिंदा जो सेंटर है, उस सेंटर को जो है मार्क करके जो है वहां पे एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। फिर भी बोल रहा हूँ, एक जगह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो या 50 जगह से, वहां पे भी तो बच्चे आएंगे एग्जाम देने के लिए। तो देखिए क्या बताया गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 की परीक्षा सारण जिले में स्थगित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। आप देखो, एक जिले में कितने सेंटर होंगे, कितने बच्चे का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, और एक दिन का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। यहां से देखो, 24 और 25 दोनों दिनों के पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। अब देखो यहां पे इन्होंने, देखो मैं आपको बताऊं ना, एक जस्टिफिकेशन होता है, अगर कोई किसी से पेन भी गिर जाए तो वो उसे जो है प्रणाम करता है ना। लेकिन यहां देखो, अपरिहार कारणवश जो है स्थगित की जाती है, तो आप बताओ ना भाई क्या प्रॉब्लम आ गई, लोगों के साथ शेयर भी कर दो। आप तो बस एक नोटिफिकेशन थमा दोगे, लोग जाएंगे कहां? तो देखिए, जिन लोगों का भी 24 और 25 मई को एग्जामिनेशन था, उन लोगों का एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। एग्जामिनेशन अब इन बच्चों का एग्जामिनेशन जो है बाद में, मुझे लगता है कि अब जून में हो पाएगा, या फिर ये किसी और दिन निकालते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको जो है अलर्ट रहना होगा। उसकी सूचना भी मैं दूंगा जिन लोगों का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। बाय द वे, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे थे। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने एक 4 घंटे की करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दी है, चार नहीं आप समझ लो 4.5 घंटे की वीडियो है, जिसमें कि आप दिसंबर 2023 से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स, जो कि आज के करंट अफेयर्स है, उसे भी मैंने शामिल कर लिया। तो इन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम की रहने वाली है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, दोस्तों तक पहुँचाओ, या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी का भला हो सके। समय रहते अगर वो टिकट को कैंसिल कराएगा तो रिफंड भी उसे कुछ 70-80% तो मिल ही जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।